में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम दोबारा नहीं पूछेंगे, जोर से बोलना, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में चक्रबंधा में टेलीफोन का टावर नहीं लगा, पानी बिजली नहीं हुआ, यहाँ पर अस्पताल स्कूल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लालच में, लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो इसी बिहार में नीतीश के राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ये लाल सलाम वाले लोग, इनके मुंह में आवाज नहीं है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ के आदमी तो दूर बार हिलाने पर बोलता है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे चक्रबंधा के आप लड़के गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कोरोना बात पर आप लोग वोट दिए हैं तो नहीं मिला, आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही तो बताने आए, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को दिए कि मोदी को दिए, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है, बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है, आपने जात के लिए वोट दिया, जात का चर्चा चल रहा है, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, गांव गांव में हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगा है, आपने मोदी के नाम पर वोट दिया, गुजरात के लिए वोट दिया, तब गुजरात में विकास हो रहा है और आपके बच्चे गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। अरे बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? यही बात बताने आए, गांव गांव जाते हैं, 5000 गांव में पैदल गए और गांव में हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? हम अभी आपको दिखाते हैं
आपके बर्बादी का असली कारण और फिर उससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? जोर से सुनाई नहीं दिया? अरे अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है?